हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रामगा टेक में। दोस्तों, आज का जो हम बहाली का अपडेट लेके आए हैं, जिसे आप सुनकर खुशी से झूम उठेंगे, क्योंकि आज का बहाली का अपडेट 1000, 2000, 3000 नहीं बल्कि पूरी 21000 बहाली का अपडेट निकाला गया है। आपको बता दें, ये बहाली का जो अपडेट निकाला गया है ब्लॉक में जो भूमि सुधार विभाग होता है वहीं से निकल कर आया है। तो मैं बता दूं, 21000 पदों पर होगी नियुक्ति भूमि सुधार विभाग में होने वाला है। तो क्या कुछ खबर निकल कर आया है और ये बहाली कहाँ होने वाला है, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। तो अगर आप फॉर्म को भरना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको पूरा अपडेट बाय अपडेट देंगे कि कब होगा और कौन से पोस्ट में कितनी बहाली होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमारा वीडियो बनाने का मेहनत बस आपका एक लाइक करना है। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जॉब की अपडेट रोज़ाना यहाँ पर 2-4 मिलती रहेगी। तो चलिए, बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं, इसका एडवर्टाइजमेंट खुल चुका है मंगलवार 9 अक्टूबर 2018 हिंदुस्तान पेपर के अखबार में ये एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑनलाइन दाखिल खारिज व लगान भुगतान का शुभारंभ, 60% से अधिक अपराध का कारण भूमि विवाद। तो बताया जा रहा है कि 60% जो यहाँ पर अपराध होता है वो जमीन को लेन देन कर लिए होता है, जमीन को वजह से यहाँ पर अपराध होता है, जिस कारण 31000 पदों पर होगी नियुक्ति। नीतीश कुमार, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अनाउंसमेंट किया है कि 31000 पदों पर नियुक्ति होने वाली है, जो कि राजस्व भूमि सुधार विभाग में होने है। तो चलिए, पूरा अपडेट हम आपको वन बाय वन बताएंगे। अगर आप कोई भी स्टेट से हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं एडवर्टाइजमेंट पढ़ा हूँ और इसमें आप जनरल में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप झारखंड से हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं जनरल में। अगर आप बिहार से हैं तो आपको यहाँ पर कुछ छूट मिल जाएगा। तो चलिए, खबर हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, हमारे सामने इसका एडवर्टाइजमेंट निकल कर आ गया है और यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आया है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की घोषणा कि राजस्व भूमि सुधार विभाग में 31290 पदों पर होगी नियुक्ति। तो मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि 31000 पद यहाँ पर बहाली होने वाला है। भूमि संबंधित आंकड़े अपडेट करने के लिए व्यापक काम हो रहा है, कर्मियों की कमी है, इसलिए विभिन्न पद पर नियुक्ति की जाएगी। तो बताया जा रहा है कि भूमि सुधार के लिए कर्मियों की कमी के कारण 31000 पद पर यहां पर बहाली किया जाना है। लोक वित्त समिति द्वारा इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। मुख्यमंत्री सोमवार को संवाद में ऑनलाइन दाखिल खारिज, ऑनलाइन लगान भुगतान और निबंधन अंचल कार्यालयों से जोड़कर स्वतः दाखिल खारिज सुविधा का रिमोट के माध्यम से शुभारम्भ कर रहे थे। उन्होंने सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी में 2297, सर्वेक्षण अंचल निरीक्षक में 22966, विशेष सर्वेक्षण अमीन में 2406, लिपिक विशेषक लिपिक 1203, कार्यपालक सहायक 12, डाटा एंट्री ऑपरेटर में 1203 आईटी बॉय की नियुक्ति होगी। तो देखिए, यहाँ पर अपडेट जो बताया गया है, आप देख सकते हैं वन बाय वन यहाँ पर पदों पर बहाली की जानी है। आप देख सकते हैं, सबसे पहले देख सकते हैं सहायक बंदोबस्त में 2297 बताया गया, सर्वेक्षण अंचल निरीक्षक में 22000 बहाली, तो इसमें ज़्यादा बहाली निकाला गया है। और उसके अलावा देख सकते हैं 966 विशेष सर्वेक्षण अमीन में बताया गया, उसके बाद 2406 लिपिक विशेषक में बताया गया, उसके बाद लिपिक में 1203 कार्यपालक सहायक में 12 डाटा एंट्री ऑपरेटर और 1203 आईटी बॉय की नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार में 60% से अधिक झगड़े और अपराध का कारण भूमि विवाद है। तो बताया जा रहा है कि वहाँ जितना भी झगड़ा होता है या फिर कुछ भी होता है तो वहाँ पे 60% जो है जमीन को लेन देन को लेकर के होता है। 1-2 लाख कोई किसी का रख लेता है तो लोग उसे उतनी गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन एक बित्ता जमीन बड़े झगड़े का कारण बनती है जो हत्या रूप ले लेती है। भूमि विवाद के निष्पादन से अपराध में स्वतः और कमी
के आंकड़े अपडेट नहीं है। भूमि दस्तावेज 1901 के सर्वे पर आधारित है। हम लोग का नया सर्वे सेटलमेंट कराना शुरू किया है जो 2.5 लाख से पूरा होगा। 4 साल में चकबंदी का कार्य होगा, इसके बाद बिहार नई ऊंचाई को छुएगा। सीएम ने कहा है कि अंचल अधिकारी में एक बार हाल में कोर्ट लगाए और भूमि विवाद का निष्पादन अधिक से अधिक करे। हर शनिवार को थाना प्रभारी और अंचल अधिकारी 15 दिन पर जिला अधिकारी और हर महीने मुख्य सचिव डीजीपी स्तर पर बैठे हो। हर बैठक की रिपोर्ट ऊपर के पदाधिकारी को दी जाएगी। कनी अभियंता को में लगाए मुख्यमंत्री ने कहा कि जमाबंदी रजिस्टर तथा अन्य भूमि संबंधित दस्तावेज को स्कैन कर ई रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। 3 जगहों पर ई रिकॉर्ड रखे जाए, इससे नए सर्वे सेटलमेंट में भी वसूलियत होगी और भूमि विवाद के निकारण में मदद मिलेगी। अगले 1 वर्ष के अंदर कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पर जो अपडेट निकाला गया, इसमें बताया जा रहा है कि जितने भी विवाद होते हैं बिहार में या फिर और भी जगह, वो 60% जमीन को लेन देन के तौर पर किया जाता है, जिस कारण इसका सॉल्वेशन करने के लिए, इसका सर्वेक्षण करने के लिए और इसका निवारण करने के लिए ये बहाली लिया जा रहा है, जो कि 31,000 पदों पर होगी और ये जल्द ही निकाल दिया जाएगा। तो यही अपडेट निकाला गया है बिहार सरकार की तरफ से। अगर आप चाहे तो यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको जनरल में अप्लाई करना होगा, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्टेबल लिया जाएगा। और उसके साथ कुछ और भी अपडेट यहाँ पर डाला गया, बंटवारे में जमाबंदी निबंधन पर शुल्क सांकेतिक होगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जमीन बंटवारा होने के बाद भी दादा परदादा के नाम से जमीन रहती है, दाखिल खारिज अपने नाम से होने से खरीदने बिक्री में विवाद होता है। निबंधन शुल्क ज़्यादा होने के कारण आपसी सहमति से हुए बंटवारे का निबंधन लोग नहीं कराते। हमने निर्देश दिया है कि पारंपरिक बंटवारे में निबंधन का शुल्क संकेतित किया जाएगा, काम 100-200 रुपये में पूरा हो जाएगा, ऐसी व्यवस्था बनाए। तो बताया जा रहा है कि बहुत सारा कारण होता है कि पैसा बहुत सारा लग जाता है। मान लीजिए आप दाखिल खारिज करवा रहे हैं या मोटेशन करवा रहे हैं या फिर आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लग जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा यहां पर जो अपडेट बताया गया है कि 100 से 200 रुपये में आपका काम कर दिया जाएगा। इस कारण वर्करों की कमी के कारण यहां पर बहाली लिया जा रहा है और ये बहाली जल्द ही लगभग 2019 में आ जाएगा। तो इस प्रकार से बिहार सरकार की तरफ से इसका अपडेट निकाला गया। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते तो आप हमारे चैनल से आज ही जुड़ जाइए। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। उससे क्या होगा, ये बहाली जैसे ही आएगा मैं इसका वीडियो बनाकर अपने चैनल में ज़रूर अपलोड करूँगा और उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही अपडेट निकाला गया है जो कि मैं आपके सामने बता रहा हूँ। अगर आप चाहें तो पूरा विस्तार से आज का अखबार चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही जानकारी दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही अपडेट रोजाना पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इजाज़त चाहूँगा, कल फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, टेक केयर, बाय।